हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने वीडियो में किशोर सागर तालाब पर जो बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहां पर किशोर सागर तालाब पर बनाई जा रही है सालिम सिंह की हवेली। दोस्तों सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में बनी हुई है, राजस्थान के जैसलमेर में बनी हुई है, जो कि अपने आप में काफ़ी खास हवेलियों में से एक है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सालिम सिंह की हवेली में जो स्टोन यूज़ किया जा रहा है, वो स्टोन आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो जैसलमेर का जो स्टोन है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो जैसलमेर का जो स्टोन है वो यहाँ पर सालिम सिंह की हवेली में लगाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लेबर जो काम कर रही है वो यहाँ पर जैसलमेर से बुलवाई गई है। आप देख सकते हैं स्टोन पर जो काम हो रहा है वो यहाँ पर स्टोन की जो कटाई चल रही है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से। और मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ यहाँ पर काम चल रहा है, मैं आपको अंदर की तरफ ले जाऊँगा और दिखाने वाला हूँ। दोस्तों चलते हैं और अंदर की तरफ भी देखते हैं। मुख्य एंट्रेंस है, मुख्य द्वार, यहाँ से आप देख सकते हैं मैं अंदर की तरफ आगे जाता हूँ। तो अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जैसलमेर स्टोन लगा हुआ है और आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी इस साइड लगभग ये ढांचा जो है वो तैयार कर दिया गया है और इसके अंदर का जो है वो लगाया जा रहा है जैसलमेर स्टोन। पीले कलर का जो पत्थर होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर और काफी जोरों से यहाँ पर काम चल रहा है। और इस आप देख सकते हैं सीवी गार्डन की जो पीछे का हिस्सा है वहां पर फाउंटेन्स और ये लगाए जाएंगे और काफी शानदार जो होगा वो इस तरफ का व्यू होगा। मैं आपको ऊपर की तरफ ले चल के दिखाता हूँ यहाँ पर और क्या क्या काम हो चुका है। आप सामने की तरफ देख सकते हैं किशोर सागर तालाब आपको देखने को मिलेगा। किशोर सागर तालाब जग मंदिर के जस्ट सामने की तरफ सालिम सिंह की हवेली बनाई जा रही है दोस्तों। और आप देख रहे हैं अंदर से मैं आपको जो है वो पूरी दिखा रहा हूँ यहाँ से। और 17 मीटर इसकी ऊंचाई जो है वो बताई जा रही है और काफी शानदार राजस्थान के जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियों में से एक जो है सालिम सिंह की हवेली, जिसे मेहता निवास भी दोस्तों बोला जाता है। और आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर से मैं इसका व्यू बता रहा हूँ आपको। आप देख रहे हो इस तरीके से यहाँ से ये तो फ्रेंड्स ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर चलकर देखते हैं, मैं आपको टॉप व्यू से भी इसका पूरा जो है वो दिखाऊंगा। टॉप व्यू से हम देखते हैं कैसी दिखती है। और आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो काम चल रहा है और ऊपर की तरफ अगर मैं चलता हूं तो ऊपर भी आप देख सकते हैं यहां पर ढांचा जो है वो तैयार कर दिया गया है। और देख सकते हैं हम यहां पर अभी काम चल रहा है। दोस्तों काफी शानदार जो काम चल रहा है वो सालिम सिंह की हवेली किशोर सागर तालाब पर बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहां से किशोर सागर तालाब से इसका व्यू